हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यू सार्थक। तो दोस्तों, आपका सबसे भरोसेमंद चैनल यू सार्थक पेश करता है आपके सामने जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर वन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हुआ है, समीर मुल्ला आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सुरेश नाथ बनर्जी थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के विद्रोह का विद्रोहन किया था। एडिट हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार जीडी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। दोस्तों, तो ये 1916 में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, दादा भाई नरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, रविंद्र घोष जो थे उन्होंने निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1908 में गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो दोस्तों, 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल से बिहार तक पृथक हुआ कब? पृथक हुआ मतलब कि अलग कब हुआ? दोस्तों, 1912 में ये अलग हुआ बंगाल बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हंटिंगटन द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? दोस्तों, 1911 में लॉर्ड हंटिंगटन द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में रविंद्र घोष का बचाव किस वकील ने किया था? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलीपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें रविंद्र घोष का बचाव किस वकील ने किया था? दोस्तों, सी आर दास वही वकील थे जिन्होंने रविंद्र घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता राष्ट्रीय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह लिखा गया। मोहम्मद अली, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू एकता का दूत कहा था। सूरत, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।